एक रंगीन दुनिया भाग एक। हम रंगों को क्यों देखते हैं? घास हरी क्यों दिखाई देती है? सफेद रंग की रोशनी अलग अलग रंगों से मिलकर बनी होती है। तुम यह बात पहले से जानते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि जब सफेद रोशनी एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो हमें 7 रंग मिलते हैं। जब ये सभी 7 रंग आपस में मिलते हैं तो हमें सफेद रंग की रोशनी मिलती है। लेकिन अगर सफेद रोशनी से हम कुछ रंग निकाल दें और सिर्फ कुछ ही रंगों को मिलाएं तो हमें सफेद की जगह कुछ अलग ही रंग दिखाई देते हैं। हमारी आंखें 3 तरह के रंगों को देख सकती हैं, लाल, हरा और नीला। जो रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचती है उसमें जब ये तीनों रंग बराबर मात्रा में मौजूद होते हैं तब जो रंग हमें दिखाई देता है वो है सफेद। जब नीले रंग की मात्रा थोड़ी कम होती है तब हमें जो रंग दिखाई देता है वो है पीला। जब नीला और हरा बिल्कुल भी मौजूद नहीं होते तो हमें लाल रंग दिखाई देता है, क्योंकि उस समय सिर्फ लाल रंग की रोशनी हमारी आंखों तक पहुंच रही होती है। घास हरी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि यह हरे रंग को छोड़कर बाकी सभी रंगों को सोख लेती है और केवल हरे रंग को परावर्तित करती है, और ये वही हरा रंग है जो हमें दिखाई देता है। फिर टमाटर लाल क्यों दिखता है? तुम इसका उत्तर जानते हो, क्योंकि यह लाल को छोड़कर प्रकाश के बाकी सभी रंगों को सोख लेता है और ये लाल रंग परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। अब यहाँ एक दिमागी सवाल है, एक अंधेरे कमरे में टमाटर का रंग क्या होता है? अच्छा, एक और सवाल, अगर मेरी कमीज नीले रंग को छोड़कर बाकी सभी रंगों को सोख लेती है तो इसका रंग क्या होगा? अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये कागज काला क्यों दिखता है? जरा इसके बारे में सोचो। तो अगले वीडियो में हम तुमसे पूछेंगे कि आकाश नीला क्यों है।